हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड, आज हम लोग डाइकिन का डक्टेबल मशीन के बारे में बताएंगे। और ये देख सकते हो, डाइकिन का डक्टेबल मशीन है जिसमें डबल ब्लोअर और एक मोटर है। इसमें कंप्लेन था कि एसी थोड़ा टाइम तक चलता है फिर बंद हो जाता है, तो आपको दिखाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। बने रहिए हमारे वीडियो में। ये डाइकिन का नया मॉडल मशीन है, 410 है। इसमें बहुत ही अच्छा मशीन है। ये देख सकते हो, तीन वायरें हैं, लो, मीडियम, हाई का। जो ब्लैक है अपना हाई है, और ये पिंक है जो है ये मीडियम है, और जो ऑरेंज कलर का है ये लो है। तो इस तरह से इसकी वायरें हैं, मोटर की तीन स्पीड की और एक न्यूट्रल है। तो फ्रेंड, ये डक्टेबल मशीन है 4 टन का डाइकिन एसी का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें डबल ट्रे दिया है, वाटर ट्रे जो होता है डबल है। और ये देख सकते हो, हमारा मेन पावर है जो आउटडोर से आ रहा है, फेस न्यूट्रल, अर्थिंग, और ये कॉमन बोले तो कंप्रेसर का है। आपको पता ही होगा COM लिखा हुआ है, मतलब कंप्रेसर का है, यानी जो इंडोर पे सप्लाई आके फिर आउटडोर को जाता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो अपना फ़ैन मोटर को हमने क्लिप निकाल दिया है बाहर, और इसको अभी डायरेक्ट चेक करेंगे बाहर से पावर देखे, क्योंकि ये 220 वोल्ट का है तो PCB का ज़रूरत नहीं है। इसको आप बाहर से जंपर मार के चेक करके चालू करके देख सकते हैं। और फ्रेंड, चालू करने से पहले आपको मल्टीमीटर ज़रूर लगाना है, ताकि आपको पता चले कि जो मोटर है उस कितना एम्पियर ले रहा है, यानी एम्पियर से भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो ज़रूर लगाना है। क्लेमीटर यूज करना है आपको, और एम्पियर मीटर चेक करना है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट बाहर से पावर सप्लाई 220 वोल्ट का देखे और इसको चेक करेंगे। तो एक देख सकते हो, एक हमने स्पीड में लगा दिया है और एक न्यूट्रल में लगा दिया है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे 220 वोल्ट देख के, कि जो हमारा मोटर है वो बाहर से डायरेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर हम अगला स्टेप आपको बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो अभी हम इसको चालू करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मोटर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमने मोटर को पावर सप्लाई दे दिया है, और अभी हम इसको चालू करेंगे डायरेक्ट बाहर से 220 वोल्ट दे के, और इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हो, हमने जंपर निकाल दिया है, जो कनेक्टर जो लगे हुए थे PCB से वो निकाल दिए हैं। चारों PCB के जो वायर थे वो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि एक PCB का वायर उसमें जाएगा तो डायरेक्ट रिवर्स पावर जाता है मोटर से। तो इसके लिए आपको पूरा वायर निकालना है, अगर डायरेक्ट आपको चेक करना है तो चारों वायरें निकालने हैं, तीन फेस के, और तीन जो हमारे लो, मीडियम, हाई हैं, और एक न्यूट्रल का। तो ये चारों जंपर आपको निकालने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और फ्रेंड, आपको सेफ्टी का बहुत ध्यान देना है। तो इससे अब अभी हम इसको चालू करेंगे और चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो, डबल ट्रे का मशीन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है डाइकिन वालों ने, बहुत ही सुंदर है, मेंटेनेंस के लिए भी ईजी है। और अभी हम इसको चालू करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, अभी मोटर चालू हो गया है, एम्पियर भी देख सकते हो 12 तक ले रहा है, और अभी हमारा मोटर भी चालू हो गया है। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये चलता है। अभी भी इसका जो एम्पियर है कम हो रहा है। तो ये फ्रेंड देख सकते हो, हमारा मोटर बंद हो गया, यानी जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है वो वीक हो गया है, शॉर्ट हो गया है, इसके वजह से मोटर चलता है फिर उसके बाद बंद हो जाता है। यानी हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमको मिल चुका है, जो हमारा मोटर है उसमें ही प्रॉब्लम है। तो लेकिन अभी हमको क्या करना है, 100% श्योर होने के लिए हमको PCB को भी चेक करना है। तो PCB को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो PCB को क्या करने के लिए, आपको मशीन को ऑन करना है, और रिमोट से भी ऑन करना है, और टेस्टर की मदद से, टेस्टर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्टर की मदद से इसको लो, मीडियम, हाई, देख सकते हो बहुत ही हल्का जल रहा है टेस्टर। टेस्टर बनाने वाले ने बनाया नहीं सही से, कि धूप में कैसे काम करें। तो यहाँ पर देख सकते हो, लो, मीडियम, हाई, तीनों स्पीडों में आपको चेक करना है कि पावर आ रहा है कि नहीं। अगर आपका पावर जो आता है तो समझ लो कि आपका जो PCB है वो 100% सही है, यानी मोटर में ही प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर वीक होता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी चेक करके, चेंज करके आप चेक कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे क्या था कि मोटर में ही प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मोटर हमारा वर्क नहीं कर रहा था, थोड़ा टाइम चलता है फिर बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है फ्रेंड, आपको मोटर को अलग चेक करना है और PCB को अलग चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, हमने 2 से 3 बार PCB को भी चेक किया है, और सेफ्टी का बहुत ध्यान दे रहे हैं फ्रेंड आपको, क्योंकि पूरे वायरें खुले हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत केयरफुली चेक करना है टेस्टर की मदद से।
तो यहाँ पे देख सकते हो हमने टेस्टर की मदद से इसकी तीनों स्पीडों में बारी बारी चेक किया तो इसमें पावर आ रहा था, यानी जो हमारा मोटर है उसमें ही प्रॉब्लम है, यानी जो हमारा मोटर है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पीसीबी है वो वर्क कर रहा है, यानी हमारा जो पीसीबी है वो सही है। डाइकिन का डक्टेबल मशीन है, 3.5 टन का डक्टेबल मशीन है ये। और इसका ये वाटर ट्रे देख रहे हो फ्रेंड क्या डिज़ाइन बनाया है, डबल ट्रे है इसमें, एक मेन ट्रे है एक उसके बाद ओवरफ्लो वाला ट्रे है, जैसे कभी कभी वाटर ट्रे भर जाएगा तो दूसरे वाले ट्रे से पानी बाहर चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, 4 स्क्रू हैं, ईजी खोल सकते हो आप लोग, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छी जानकारी मिले तो एक लाइक ज़रूर करना अपने भाई के लिए और अच्छा सा कमेंट करना, और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।